हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है अनीता किचन में। आज हम लेके आए हैं बाजरे की आटे से दो नई तरीके से नाश्ता बनाने की रेसिपी। आज की ये रेसिपी ना आपको बेहद पसंद आएगी, तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। रेसिपी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट, साथ ही चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो यहाँ पे हम सबसे पहले ले लेंगे बाजरे की आटे। तो यहाँ पे हमने 1 कटोरी बाजरे के आटे लिए हैं, साथ ही हम 1 चम्मच सफ़ेद तिल डाल देंगे। और ये है, यहाँ पे आ गया हमारा आधी चम्मच जीरा और 1 चुटकी करीब अजवाइन। अजवाइन से ना पाचन तंत्र बढ़िया बनी रहती है, तो बहुत ज़्यादा नहीं, थोड़ी सी डाल लेना है। और 1 चम्मच भर के कूटी हुई लाल मिर्च डाल देंगे और टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक डाल दीजिएगा। छोटी चम्मच से 1 चम्मच हल्दी पाउडर और 1 चम्मच हम गरम मसाला डाल रहे हैं। आप चाहे तो यहाँ पे गरम मसाले की जगह पे काली मिर्च का पाउडर भी ले सकते हैं। इन सारे चीज़ को एक बार अच्छे से मिला लेना है। अब इसमें थोड़ा थोड़ा करके पानी डालेंगे और इनका हमें एकदम गाढ़ा सा घोल बना के तैयार करना है। तो देखिए, हमने कुछ इस तरीके से घोल बनाए हैं, देख सकते हैं। बस इससे ज़्यादा पतला मत कीजिएगा। अब इसमें हम सब्जियां ऐड करेंगे। तो यहाँ पे हम 1 गाजर को ग्रेटर की मदद से ग्रेट करके लिए हैं, देख सकते हैं। लच्छे निकाल लेना है गाजर के। और साथ ही यहाँ पे 1 प्याज को हम बारीक चॉप करके लिए हैं। लहसुन और अदरक हमने क्रश करके लिए हैं। साथ ही 2 हरी मिर्ची को बारीक काट के डाल दीजिएगा। और यहाँ पे हम 1 मीडियम साइज के आलू के लच्छे निकाल लिए हैं। लच्छे निकाल के धो लेना है, उसके बाद हम इसमें डालेंगे। और 1 चम्मच भर के दही लिए हैं। आप चाहे तो यहाँ पे दही की जगह पे आमचूर पाउडर या टमाटर का भी यूज कर सकते हैं। सब्जियाँ अपने मनपसंद से यहाँ पे ले सकते हैं। सारे सब्जी डालने के बाद इनको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और साथ ही हरा धनिया भी डाल दीजिएगा, ढेर सारा हरा धनिया से बहुत ही अच्छा टेस्ट जाएगा। अब इनको अच्छे से मिला लेते हैं। तो देखिए, हमने इनको अच्छे से मिला लिए हैं। आप चाहे तो इनमें तड़का भी लगा सकते हैं। तेल गरम कर लीजिएगा और सरसों कढ़ी पत्ता डाल के इनमें तड़का लगा लीजिएगा। मैं बट जल्दी में हूँ ना, इसलिए तड़का नहीं लगा रही हूँ। अब यहाँ पे घोल तैयार है। तेल गरम होने के लिए रखे थे कढ़ाई में, बढ़िया से तेल को गरम होने दीजिएगा। उसके बाद हम इस तरीके जैसे हम पकौड़ी बनाते हैं ना, वैसे ही डाल देंगे इसमें। तो एक बार में जितना कढ़ाई में फ्राई हो जाए उतना ही डालिएगा। डालने के बाद एक तरफ से सिक जाए, उसके बाद हम इनको पलट लेंगे। तो जब नीचे से सिक जाए ना, उसके बाद इनको पलट लेना है। तो सारे को हमने पलट लिए हैं। अब इनको फिर से हम सिकने देते हैं। तो पलट पलट करते हुए हमें अच्छे से क्रिस्पी करके फ्राई कर लेना है, ताकि एकदम ऊपर से क्रिस्पी हो, अंदर से एकदम सॉफ्ट। और देखिए, हमने इनको दोनों तरफ से सेक लिए हैं। अब इनको हम छान के निकाल लेते हैं। तो देखिए कितना बढ़िया कलर आया है और ये एकदम फूल गई है। तेल में फ्राई करने से ना एकदम फूल गई है और ये ऊपर से बहुत ही बढ़िया क्रिस्पी, अंदर से सॉफ्ट बनी है। तो ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगते हैं। अब चलिए दूसरा तरीका बता देते हैं। ये तरीका जो 1 चम्मच तेल में आप इनको बना सकते हैं। 1 चम्मच तेल पेन में गर्म होने के लिए रखे थे, इसमें हम 1-1 चम्मच करके घोल डालेंगे। इनको इस तरीके से पतला करके फैला देना है। तो साइज अपने हिसाब से छोटा या बड़ा करके रख सकते हैं। अब इनको नीचे से सिकने दीजिएगा, उसके बाद इनको पलट लेना है। तो दोनों तरीका में से आपको जो तरीका अच्छा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, कौन सा नाश्ता आपको पसंद आए। अब इनको पलट लेते हैं और दोनों तरफ से हमें इनको सेक लेंगे बढ़िया से, पलट पलट करके अच्छे से। और ये दोनों तरफ से सिक गए हैं। अब इनको भी हम छान के निकाल लेते हैं।
और फ्रेंड्स ये लीजिए, बाजरे के आटे से बनी हुई एकदम टेस्टी हेल्दी चटपटी नाश्ता बनके तैयार है। इस रेसिपी को जरूर से ट्राई कीजिएगा। रेसिपी अच्छी लगी तो हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। कल फिर मिलेंगे अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।